हेलो एंड वेलकम इन्वेस्टर्स, माय नेम इज़ दिनेश एंड यू आर वाचिंग मिस्टर कश्यप यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ अडानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड के शेयर प्राइस के बारे में। दोस्तों, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, और कंपनी के थोड़े से पास्ट के बारे में भी देखेंगे कि कंपनी ने पास्ट में किस तरीके से परफॉर्मेंस दी है और किस तरीके के बेनिफिट्स अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पर मिल सकें। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ अडानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड के बारे में, तो आज की डेट में जब मार्केट ओपन हुआ है तो शेयर प्राइस आप देख सकते हैं 1061.65 रुपये के आसपास नजर आ रहे हैं, जो कि अभी रनिंग मार्केट है। अगर रैली की बात करें तो 18 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल रही है रैली के अंदर, और शेयर के अंदर भी 1.75% की गिरावट आपको नजर आ रही है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। पिछले 5 दिनों के चार्ट पैटर्न की बात करें तो एप्रिसिएशन है, बहुत अच्छा एप्रिसिएशन जरूर से मैं इसको कहूंगा, लेकिन एक छोटी सी चीज आपको खुद समझनी पड़ेगी कि कंपनी एक तरीके से रेक्टेंगुलर शेप बना रही है, एक चार्ट पैटर्न रेक्टेंगुलर के अंदर चल रहा है कंपनी का। और मैं हर बार बताता हूं कि या तो बहुत अच्छी कंडीशन होने वाली है शेयर की, या थोड़ा सा गिर सकता है ये शेयर। पिछले 5 दिनों में आप देखिए खुद भी रेक्टेंगुलर शेप कंपनी ने बनाई है, जो कि एक अच्छी बात तो कह सकते हैं अगर शेयर ऊपर गया, और एक बुरी बात कह सकते हैं अगर शेयर नीचे की ओर चला गया। बहरहाल दोस्तों, एक महीने के चार्ट पैटर्न को देखें तो कितना गजब की तेजी आपको शेयर के अंदर देखने को मिलेगी। एक महीने का चार्ट पैटर्न ऊपर जाता हुआ जरूर से आपको नजर आएगा। एक महीने पहले शेयर की कीमत जरूर से आप देखेंगे तो 702 रुपये थी, और आज के डेट में 1000 को भी क्रॉस कर रहा है, तो बहुत अच्छी तेजी इसके अंदर देखने को मिली है। और अडानी ग्रीन्स के बारे में दोस्तों मैं आपको फिर बताता हूं, एक बार इतना आपको 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख करके देखिए, एक बार कंपनी ने अगर कोई भी बेंचमार्क अचीव कर लिया ना भैया, देखिए कंपनी एक बार इस वाले बेंचमार्क से ऊपर गई, ठीक है, इस वाला ये बेंचमार्क कंपनी ने सेट कर लिया, तो आप देखिए कंपनी इससे नीचे तो नहीं गई है, लेकिन इससे ऊपर के बेंचमार्क जरूर से कंपनी हर बार अचीव कर रही है। ये एक अच्छी बात है। किसी भी तरीके से अगर आप इसको देखेंगे ना, तो डेफिनेटली यही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको अच्छे बेनिफिट प्रोवाइड करा करके देगी, अच्छे रिटर्न्स आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये प्रोवाइड डेफिनेटली करा सकती है। वहीं अगर दोस्तों बात करते हैं थोड़ा सा मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को भी देख लेंगे, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न 2019 के अंदर देखिए, 2020 के अंदर, और 2020 जब स्टार्ट हुआ है तो आप देखिए शेयर प्राइस कितनी तेजी से ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। यही एक अच्छी बात है, एक अच्छे शेयर की यही बात होती है कि डेफिनेटली तेजी से तो ऊपर जाएगा, लेकिन एक छोटी सी चीज और होती है उसके अंदर कि भैया अपने इन्वेस्टर्स को वो कभी भी ट्रस्ट जो बनाया हुआ है कंपनी ने वो कभी तोड़ते नहीं है उस चीज को लेकर के। पिछले कुछ टाइम पे डिविडेंड की बात चल रही थी, तो डिविडेंड के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो प्लान कर रहा हूं कि किस तरीके से कंपनी का डिविडेंड है, किस तरीके से क्या क्या होगा, कितना परसेंटेज होगा, वो सारी की सारी चीजें उस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बहरहाल दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्वार्टर से मैं कंपेयर जरूर करूंगा इसको। पहले तो इस क्वार्टर की बात करें, रेवेन्यू कंपनी का 4% अप जा रहा, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं पे अगर दोस्तों बात करते हैं, नेट इनकम 81% से लेस जा रही है, नेगेटिव पॉइंट मान सकते हैं इसको। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 82% से नीचे जा रहा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। अच्छे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, कैश ऑन हैंड कंपनी का 300% से बढ़ गया भैया, जो कि एक अच्छी बात है। अच्छा, इसी के लेकर के अगर मैं जून क्वार्टर से कंपेयर करूं, तो जून क्वार्टर के अंदर सारी चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन वहां पे भी अगर मैं बात करूं तो कई सारी चीजें ओवरऑल देखने के लिए आपको मिलती हैं। अच्छा, कंपनी के अगर मैं बिड प्राइस की अगर मैं बात करूं, तो बिड प्राइस आपको थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कंपनी का एवरेज क्या चल रहा है, थोड़ा सा आपको देख करके बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में नॉलेज आपको देखने को मिल सकेगी, ठीक है। थोड़ा सा आप देखिए कि कंपनी का, देखिए मार्केट कैप की वैल्यू अगर मैं बात करता हूँ, देखिए मार्केट कैप कंपनी का ये है, टोटल आप नज़र आ रहा होगा, ठीक है। कंपनी के पीई की अगर मैं बात करूँ ना, ठीक है, तो कंपनी का पी बिल्कुल अभी देखिए, अभी लास्ट पॉइंट के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन डिविडेंड के बारे में अगर बात करें तो देखिए अभी कोई भी डेटा मेंशन नहीं है डिविडेंड को लेकर के, लेकिन इस चीज़ को लेकर के बहुत ही जल्द वीडियो आएगा, ठीक है, बहुत ही जल्द वीडियो आएगा हमारे चैनल के ऊपर। तो चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको कम से कम मिल सकें, और सारी के सारे बेनिफिट्स आप यहाँ से उठा सकें, और देख करके काफी अच्छे बेनिफिट्स भी आप हमारे मिस्टर कश्यप चैनल के माध्यम से उठा सकें इस शेयर मार्केट से। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अगर मैं कंपनी के ना इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करूं, बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019, 2020 के अंदर बढ़ रहा है भैया,
जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। इक्विटी शेयर कैपिटल कभी भी कंपनी का बढ़ना नहीं चाहिए। ये पॉइंट आपको देखिए, इस पॉइंट को आप जरूर से नोट करके रखिएगा। कभी भी किसी भी शेयर के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन निकालने हैं तो सबसे पहले आप उसका देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल का क्या कंडीशन है, क्या इक्विटी शेयर कैपिटल हर साल बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आप वहाँ पर थोड़ा सा देखिए, सचेत हो जाइए कि भैया वहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो कंपनी कहीं ना कहीं भैया किसी न किसी तरीके से आपको थोड़ा सा हो सकता है कि भैया प्रॉब्लम में डाल दें। वहीं अगर मैं बात करता हूं भैया रिजर्व एंड सरप्लस की, रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का अगर आप देखें तो भैया आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि कंपनी का क्या चल रहा है। थोड़ा सा बैक आ गया हूं मैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की, तो भैया रिजर्व एंड सरप्लस आप कंपनी का देखिए माइनस में चल रहा है 2000। अब देखिए यहां पे इतना माइनस में चल रहा था, डेफिनेटली एक अच्छी बात हुई कि थोड़ा सा कम माइनस में 0.5 में 155 करोड़ माइनस में चल रहे हैं, 124 करोड़ माइनस में चल रहे हैं। देखिए दो पॉइंट आप कवर करने की कोशिश कीजिए। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कंपनी की कंडीशन इस समय कुछ ज्यादा बेटर है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो कंपनी की कंडीशन कुछ ज्यादा बेटर है इस मामले के अंदर। अच्छा, कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करी जाए तो भैया ये डेफिनेटली जरूर से आप समझ पाएंगे कि लॉन्ग टर्म में कंपनी के ऊपर क्या कर्जा है। 2016 से ही कंपेयर करते हैं, 2016 में 34 करोड़ का कर्जा था, 4014 करोड़ का कर्जा कंपनी के ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है 414 करोड़ का। इसके बाद आप देखिए सीधा डायरेक्टली कंपनी 2266 करोड़ के कर्जे के आसपास कंपनी चली गई। लेकिन अच्छी बात ये रही कि कंपनी के पास कर्जा 2019 के कंपैरिजन में अभी कम हो रहा है। एक पॉइंट पे अगर देखा जाए तो कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट नहीं है बल्कि प्लस पॉइंट जरूर से मैं कहूँगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं नज़र डालने की कोशिश करूँगा कि कंपनी के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को लेकर के क्या बात विवाद चल रहा है। देखिए कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज चल रही है भैया अभी यहाँ पे 2019 के कंपैरिजन में देखिए तो थोड़े से कम थे, 2020 के कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा है। एसेट्स भी ज्यादा है तो भैया लाइबिलिटीज भी ज्यादा होंगी। इसको प्लस और नेगेटिव दोनों ही मान सकते हैं, दोनों ही पॉइंट इसके अंदर कवर डेफिनेटली हो ही जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों कुछ लोग हैं जो कि कहते हैं भैया कंपनी का क्या है, मतलब क्या चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि देखिए फ्यूचर के अंदर आपको बताना ग्रीन एनर्जी की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी और ग्रीन एनर्जी सोलर पैनल से आएगी और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो अडानी ग्रीन जो है ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है भैया, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। और इतनी जल्दी देखिए शेयर मार्केट के अंदर इतनी जल्दी ग्रो करने वाला शेयर आप देखिए खुद अडानी ग्रीन्स है जो कि बहुत ही जल्दी इसने ग्रो किया है। आप खुद देखिए पिछले साल क्या कंडीशन थी और इस साल क्या कंडीशन है और आने वाले एक साल के अंदर बाद भी आप देखेंगे कि कितनी कंडीशन है। कंपनी प्रोजेक्ट्स पे काम करे डेफिनेटली वहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट होगा और कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट आपको भी कहीं ना कहीं आप भी कनेक्टेड होंगे अगर आपके पास कंपनी का शेयर है तो डेफिनेटली। अच्छा, इसके अलावा अडानी ग्रीन डजंट हैव गारंटी टू बायर। आप देखिए यहाँ पे 66 बिलियन डॉलर सोलर प्रोजेक्ट इन इंडिया। देखिए यहाँ पे ये न्यूज़ जो है 31 मिनट पहले की है। अब इस न्यूज़ को देख करके आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया क्या कुछ कंपनी के अंदर चल रहा है, क्या कंपनी की मतलब गोल्स हैं। डेफिनेटली वहां पे आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी अभी आज अच्छा कर रही है तो आपने आज खरीद लिया, इंट्राडे पे खरीद लिया। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में सोचिए, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको अच्छे बेनिफिट कंपनी प्रोवाइड कराएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस आपको जरूर से रखना होगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पर मिल सके। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।